लाहौर में स्मॉग की शिद्दत की वजह से प्राइमरी क्लास तक के बच्चों को एक हफ्ते की छुट्टियां दे दी गई हैं। महकमे माहौलियात पंजाब की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 4 से 9 नवंबर तक लाहौर के सरकारी और निजी स्कूलों में 5वीं क्लास तक के बच्चों की छुट्टियां होंगी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि ये बच्चों की सेहत का मामला है। सुबह में फ़जाई आलूदगी की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है। आज सुबह भी लाहौर में आलूदगी का इंडेक्स 1173 पॉइंट्स तक जा पहुँचा था। आज 1173 के ऊपर गया जो थे, और जो सेंटर थे सारे इलाकों को मुतासर किया। जो विंड की डायरेक्शन का पैटर्न है अगला पूरा हफ्ता, और उसकी स्पाइक जो है वो सुबह के वक्त होती है, और उस स्पाइक की वजह से आज हम प्ले ग्रुप से मॉन्टेसरी से और प्राइमरी स्कूल तक जो गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल हैं उनको एक हफ्ते के लिए बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं। ये सेहत का मामला है, बच्चों की सेहत का मामला है, आइंदा आने वाली नस्लों की सेहत का मामला है, ये हमारी सेहत का मामला है। आप सब मास्क लगाएं, मैंने भी खुद आज से मास्क लगाना शुरू कर दिया है। आप लोगों को मैं बता नहीं सकती कि आप इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मीथेन को इनहेल कर रहे हैं। वो विंड की डायरेक्शन जो थी और विंड की स्पीड जो थी ईस्टर्न कॉरिडोर से, जो इंडिया के शहर इस मैप के ऊपर भी आप देख रहे होंगे, चंडीगढ़, हरियाणा, बठिंडा, गुरदासपुर, गंगानगर, श्रीनगर का जो गंगानगर का एरिया है, लुधियाना, जलंधर और अमृतसर, ये वो बॉर्डर एरियाज ऑफ इंडिया था जहाँ से ये विंड की स्पीड आप देख रहे होंगे। और ये डेटा जो है ये साइंटिफिक डेटा है, ये जो विंड फिनोमेना है ये हिंदुस्तान से बात किए बगैर हल नहीं हो सकता। ना हम हवा को रोक सकते हैं, जब हवा की डायरेक्शन को बदल सकते हैं।